पिछली बार के मैच में टीम कतरा को हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन इस बार देखते हैं क्या होता है। तो इस बार क्या कहना चाहेंगे? इस बार जो मैच है वो काफ़ी इंटरेस्टेड मैच हो रहा है, और इस मैच में सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये मैच 10 बजे से रखा गया है और ये 16 ओवर का मैच है। टीम के मैच में हारने के बाद कतरा टीम बहुत ही मेहनत कर रही थी और सुनने में भी आया था कि सुबह से वो प्रैक्टिस कर रही थी। तो अब देखते हैं, हालांकि पिछले मैच में हारने के बाद गौरव भी थे, कैसी भाई वो भी नहीं है। हाँ, बार फिर हमारी ऑडियंस ने इसमें देखा कि पिछली बार का मैच टीम कवर जीत गए थे, लेकिन इस बार जो है मैच का रुख थोड़ा सा अलग दिख रहा है। अब देखते हैं कौन इसके ऊपर भारी पड़ेगा। हाँ, प्रेशर तो है, बहुत बड़ा प्रेशर है अलग टीम के ऊपर, क्योंकि कैसे थे इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा इस मैच को हम लोग जीतेंगे। जैसा कि देख पा रहे हैं कि हम लोग के सारे प्लेयर्स की तरफ अभी नाश्ता चल रहा है और थोड़ी देर में मैच शुरू होने वाला है, तो देखते हैं आज का मैच कैसा रहता है, कौन किसके ऊपर भारी पड़ता है। अब देखते हैं कौन क्या आता है। तो क्या लेना चाहेंगे? कैसर बाग के कैप्टन ने बैटिंग करने का इरादा किया है। और ये सैफुल्ला भाई आउट हो चुके हैं, जो कि कैमरे में तो रिकॉर्ड नहीं हो पाया, लेकिन सीधे विकेट आउट हुआ है। आउट हो चुके हैं, बॉलिंग कराते हुए लेंगे काफी लोग आते हैं, देखते हैं मैच का रुख किधर जाता है। दो विकेट गिर चुके हैं टीम कैसर बाग के। अब यहां उनके पांव पे अगर आप ध्यान देते तो वहां पे शॉट, वो अच्छा खेलते, बहुत अच्छी तरह से खेलते, कमाल की टाइमिंग। और अगर आप आउटफील्ड देखें, और जब खाता खुल जाता है एक बार, फिर बाकी सबके खाते बंद हो जाते हैं, गेंदबाजों के खाते बंद कर देते हैं। ये ठिकाने पहुंचाते ही देखिए कदमों का इस्तेमाल और इनका क्या लगता है आज के मैच को देख के?
पिच पे आ चुके हैं हरी हरी टी शर्ट में। जिस तरह से पोजीशन दिख रही है तो क्या लग रहा है आपको, क्या होगा अभी? ये तो खेल है, कभी भी पलट सकता है। और छठे गेंद पे आए चेरन 53-3। टीम के कप्तान के ऊपर अब सारा दारोमदार आ चुका है, अब देखते हैं टीम के कप्तान क्या करते हैं मैच में। अब पिच पे मौजूद है हमारी टीम के सबसे दमदार खिलाड़ी शारिक भाई और आ रहे हैं। आउट होकर सभी प्लेयर्स यहां बैठ चुके हैं। Wide advance, he didn't get to the pitch of it. There's two men, they're gonna watch out for each other. No! They catch it anyway, Jadai. How much Ali? Oh! Oh yeah! पहली पारी की समाप्ति। दूसरी पारी की शुरुआत और देखते हैं क्या होता है मैच का। सफेद गेंद रुकती नहीं है सतह पे पड़ने के बाद, टेस्ट मैच में इसी तरह आउट हुए थे। एक और बढ़िया स्ट्रोक गैप में 213/5। और ये वाइड बॉल, बात करें बाहरी किनारा पर खुशकिस्मत रहे रोहित शर्मा। गैप डंप्स, दैट इज गोइंग टू बी क्लोज व्हेन इट हिट्स डायरेक्ट। एक विकेट गिर चुका है, इशार भाई ने पहला विकेट ले लिया और ये टीम के दूसरे बैट्समैन कहा आ चुके हैं पिच पर। मारना था शारिक भाई, क्या लग रहा है देखते हैं। G Wade is out. Stunning bit of work in close. Yes, I think we get to go.
और ये कप्तान के सीधे बॉल पैर पे चिपक गई। और ये आउट, सीधे कैच और इसने लगते हुए एक विकेट और गिर गया। पटरा आ चुके हैं। बहुत अच्छा शॉट, बहुत अच्छा शॉट, थोड़ी सी जोखिम उठाई और ये फिर से छठे गेंद पे आए छह रन 53। सफेद गेंद रुकती नहीं है सतह पे पड़ने के बाद। टेस्ट मैच में इसी तरह आउट हुए थे। और ये जोर की लगी। मैच खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है और ये कुछ नहीं, खैर बचाओ। चलिए भाई, आज का मैच तो आप लोग हार गए, तो इस बारे में वो कहेंगे? हाँ, रोज रोज मैच जीतना भी तो अच्छी बात नहीं है। काफी पॉजिटिव थिंकिंग है। हाँ, देखिए ये क्रिकेट एक ऐसी चीज़ है कि मतलब बहुत ही सोच समझ के खेलना चाहिए और कब किसका क्या चेंज हो जाए मूड। आज का मैच जिस तरह से जीता है लग नहीं रहा था मैच काफी मुश्किल, लेकिन शुरुआत जिस तरह से हुई थी लगा था कि हाँ आज टक्कर होगी, लेकिन ऐसा कोई दिखा नहीं था। नहीं, देखिए कमी बहुत बड़ी कमी थी जो हमारे शुरू में ओपनर गए सैफुल्ला, जबकि वो इंजर्ड चल रहे थे, उनको जाके फेसिंग नहीं करने वाली थी, उन्होंने जाके फेसिंग की तो हमारे मैच में सबसे पहला विकेट किसी बॉल पे गिर गया। फिर उसके बाद लगातार सब प्रेशर आते रहे और विकेट गिरते रहे। तो चलिए देखते हैं अगले हफ्ते के मैच में क्या होता है। हाँ, चलिए शुक्रिया सर।